अगले टर्म में हम ये देखते हैं कि क्या दिए गया इक्वेशन के हल है या नहीं, ये द्विघात समीकरण के हल है कि नहीं। जैसे हमें ये मिलता है, प्राप्त होता है कि यदि हम x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 में x इक्वल टू 2 कमा x इक्वल टू 3 द्विघात समीकरण के हल है कि नहीं। द्विघात समीकरण समीकरण के हल है कि नहीं, हल है कि नहीं। तो इसमें गलती क्या है, पहले दिए गए समीकरण को x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 में दिए गए वैल्यू को हम पुट अप करते हैं। यदि पुट अप करने पे हमें प्राप्त होता है LHS और RHS का मान बराबर होता है तो हम कहते हैं अर्थात ये द्विघात समीकरण का हल है। जैसे x इक्वल टू 2 रखने पर हम x बराबर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 अर्थात 4 प्लस 10 प्लस 6 इक्वल टू 0 अर्थात 10 4 14 6 20 20 इक्वल टू 0 अर्थात इसमें LHS RHS की वैल्यू बराबर नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। इसी तरह हम अगले भी x इक्वल टू 3 को रख करके देखते हैं, यदि LHS और RHS का मान बराबर होता है तो यह द्विघात समीकरण है, अर्थात बराबर नहीं होता है तो द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको और आपको यह बताना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, अगर है तो क्या यह द्विघात समीकरण के हल है कि नहीं। आइए देखते हैं, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 में x इक्वल टू माइनस 3 x इक्वल टू 4 द्विघात समीकरण के हल है कि नहीं। आप इन्हें हल करके हमको ये बताएं कि क्या ये द्विघात समीकरण के हल है कि नहीं। यदि हल होते हैं तो LHS और RHS का मान बराबर होता है, और हल नहीं होते हैं तो LHS RHS का मान बराबर नहीं होता।